तो अगर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें, लिंक है डिस्क्रिप्शन पर। सो हेय व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे हो। तो अभी GTA 5 का मतलब GTA का ट्रेंडिंग है इंस्टाग्राम पर। अगर आपको भी जो प्रीव्यू में वीडियो देखें बनाना है इसी तरह वीडियो, आप देख सकते हैं GTA 5 का आवाज़ है, ऑडियो है और फोटो आपका इस तरह आएगा और मैच करेगा। अगर आपको बनाना है तो डेफिनेटली आपको वीडियो के साथ बने रहना है। और अगर आप इसे बना के सोशल मीडिया या कहीं पर भी रील्स या कहीं पर भी अपलोड करते हैं तो आपका वीडियो वायरल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो चलो गाइस, आज का जो वीडियो एडिटिंग है GTA का, इसे बनाने सीखते हैं। और हाँ गाइस, हमारा एक गेमिंग चैनल है जिसपे मैं GTA 5 का वीडियोस स्टोरी पे अपलोड करता हूँ, जिसका नेम है एटॉम गेमर्स। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलो आज का जो वीडियो एडिटिंग है इसे बनाने सीखते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो प्लस का आइकन या क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक करना है। 9:16 रेशो को चूज करके आपको इसे नेक्स्ट आइकन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर सेटिंग का आइकन पर क्लिक करना है, एडिटिंग पर, और यहाँ पर फिल स्क्रीन, और इसका टाइम आपको 2.5 सेकंड तक कर दें जस्ट। हाँ, उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर एक ब्लैक कलर को इम्पोर्ट करना है। और यहाँ पर उसके बाद आप जिस इमेज पर वीडियोज बना रहे हैं, जिस इमेज पे आप वीडियो बनाना चाहते हैं, आप उस इमेजेस सबको यहाँ पर इंपोर्ट करें। तो यहाँ पर मैं कुछ इमेजेस सबको इस तरह यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरह, यहाँ पर मैं कुछ इमेजेस सबको यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो आप भी अपना इमेजेस सबको यहाँ पर इंपोर्ट कर लें जिस इमेज पर आप मतलब स्टोरेज या वीडियो बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं कुछ इमेजेस सबको यहाँ पर इंपोर्ट कर चुका हूँ। अब आपको क्या करना है, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया का ऑप्शन पर जाना है, और यहाँ पर आपको ये वीडियो को इंपोर्ट करना है। इसका ये वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इसे इंपोर्ट करने के बाद आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो नीचे की तरफ देखने को मिलेगा, तो इस एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक करना है, इसका ऑडियो को एक्सट्रैक्ट कर लेना है और डिलीट कर देना है इस वीडियो को। देन टू फिंगर से ये जो टाइमलाइन है आपको इसे जूम करना है, और यहाँ पर और थोड़ा जूम कर लें, और यहाँ पर आपको बीट देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको 1.243 पे एक बीट आता है, तो उस मतलब ब्लैक सॉलिड कलर पर क्लिक करना है, कट का ऑप्शन पर जाना है, ट्रिम टू राइट सेकेंड वाला पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर उसके बाद आपको नेक्स्ट बीट मिलेगा। आपको यहाँ पर उसके बाद देख सकते हैं आपको बीट किस तरह आपको फाइंड करना है, देख सकते हैं हाई पिक, एक पिक है जो पूरा ऊपर तक टच कर जा रहा है, तो उतना दूर आपको चले आ जाना है। इमेज पर टैप करना है, कट का ऑप्शन पर जाना है, कट करना है। उसके बाद आप थोड़ा जूम कर सकते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर अब पिक आ रहा है। तो यहाँ पर आप इस पिक जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर आप इस तरह फोटो पर टैप करें, कट का ऑप्शन पर जाना है, ट्रिम टू राइट, अब यहाँ पर पिक आ रहा है ना। या आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर प्ले करके भी देख सकते हैं जो कहाँ पर बीट आ रहा है। इस तरह आपको मैं दिखा देता हूँ, अब यहाँ पर पता नहीं चलेगा तो आप यहाँ पर थोड़ा प्ले कर लें। तो यहाँ पर मैं वॉल्यूम को अप कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा बीट आ रहा है, जैसे कि ये वाला भी बीट एक है। तो यहाँ पर आपको फ़ोटो को कट कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पर बीट आता है तो यहाँ पर फ़ोटो को कट करना है, उसके बाद यहाँ पर बीट आता है तो यहाँ पर फ़ोटो को कट करना है, उसके बाद यहाँ पर बीट आता है तो यहाँ पर फ़ोटो को कट करना है इस तरह, उसके बाद यहाँ पर आता है ना, तो यहाँ पर उसके बाद फ़ोटो को कट करना है, अब यहाँ पर आता है तो यहाँ पर इमेज पर टैप करके कट करना है। अब फिर से आपको बैक करके प्ले करके देखना है ये कि मैच हुआ या नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा बैक कर लेता हूँ मैं, अगर मैच नहीं लग रहा है तो आप यहाँ पर सेटिंग मतलब यहाँ पर बीट के साथ आप अच्छा से मैच कराएं। अब यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह मैच करने के बाद आपका उसके बाद अभी बहुत सारा बीट बाकी है, उसके बाद यहाँ पर आपको बीट के साथ मैच कराना है, उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाता है आपको 5.8 पर, उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है, उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है। इस तरह गाइज आपको यहाँ पर बीट के साथ मैच कराना है। आप यहाँ पर प्ले करके देख सकते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है। तो आप अपना इमेजेस सबको बीट के अकॉर्डिंग मैच करा लें, तो यहाँ पर आप प्ले करके भी कर सकते हैं, वरना बीट को आप अपने अंदाज से प्ले कर सकते मतलब मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देख सकते हैं अब यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। तो देन आप फोटो को मतलब ऑडियो पे क्लिक करके एंड तक चले जा देना है, और इमेज पे टैप करके ट्रिम टू राइट कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं फोटो सब यहाँ पर इंपोर्ट कर चुका हूँ, आप बीट के साथ भी मैच करा चुका हूँ। अब यहाँ पर आपको क्या करना है,
यहाँ पर जो ये फोटो, जो सबसे पहला फोटो आपका रहेगा, उसी फोटो को यहाँ पर स्टार्टिंग टाइम पे इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, उस फोटो को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो चलो यहाँ पर उसी फोटो को इंपोर्ट करता हूँ। अब आपको उस फोटो को छोटा करना है। छोटा करने के बाद आपको यहाँ पर ब्लैक कलर पे क्लिक करना है और इसका एंड तक चले आ जाना है और फोटो पे टैप करके कट का ऑप्शन पे जाके कट करना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टार्टिंग टाइम तक आना है, एनिमेशन की पर क्लिक करना है और एंड तक आना है और फोटो को इस तरह फुल करना है, इस तरह जस्ट फिट करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि ये लगेगा, यहाँ पर आपका जैसे पता ही नहीं चले। ओके, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको उसके बाद लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया का ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको एक GDF5 का लोगो मिलेगा डिस्क्रिप्शन पर, तो आपको उस लोगो को यहाँ पर इंपोर्ट करना है। तो मैं करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस GDF5 का लोगो को इंपोर्ट कर चुका हूँ। अब आपको क्या करना है, आपको इस इमेज पर टैप करके एंड तक चले आ जाना है और इस लोगो पर क्लिक करके आपको यहाँ पर पहले आपको क्या करना है, लोगो को यहाँ पर कॉर्नर पर सेट करना है। इस जगह पर क्लिक करके आप लोगो को कोई भी कॉर्नर पर सेट कर लें अच्छा से। ओके, यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ पहले। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको इसे एंड तक कर देना है। इस लोगो को आपका जितना दूर वीडियो बनाना चाह मतलब बना रहे हैं उस टाइमलाइन तक, उस ड्यूरेशन तक आप लास्ट तक इसे कर दें। अब यहाँ पर ब्लैक कलर पे क्लिक करके एंड तक चले आ जाएं और इस कलर पे क्लिक, GTA 5 के लोगो पे क्लिक करना है, स्प्लिट कट का ऑप्शन पर जाना है और स्प्लिट कर देना है। ओके, अब स्प्लिट करने के बाद आपको इसमें भी उसी एनिमेशन को देना है। पहले आप इसे छोटा कर लें इस तरह, एनिमेशन की का ऑप्शन पर क्लिक करें, एंड तक चले आ जाएं और इस तरह ऐसा करके बड़ा कर लें। एनिमेशन की देख सकते हैं यहाँ पर लग चुका है। देन यहाँ पर देख सकते हैं आपको ऑटोमेटिक वो बड़ा हो जाएगा, लोगो भी और ये भी। अब यहाँ पर लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया का ऑप्शन पर क्लिक करना है और एक आपको हेलीकॉप्टर इंपोर्ट करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर उस हेलीकॉप्टर का भी ड्यूरेशन को आपको जस्ट इतना ही दूर रखना है जितना दूर ब्लैक कलर है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर हेलीकॉप्टर को भी आपको छोटा करके इस जगह पर रखना है और इसका भी एनिमेशन की ऑप्शन पर जाना है, लास्ट तक आ जाना है और इस तरह बड़ा करना है। अब यहाँ पर स्टार्टिंग टाइम तक चले आ जाना है, लेयर पर क्लिक करना है, इफेक्ट्स का ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर गेट स्टोर का ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर आपको एक इफेक्ट को डाउनलोड करना है जिसका नेम आपको मैं बता दूंगा कौन सा है। आप यहाँ पर प्लीज़ फाइंड कर लें, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पर आप प्लीज़ यहाँ पर थोड़ा सा आप फाइंड कर लें कौन सा जगह पे है, मुझे याद नहीं आ रहा है किस जगह पर है वो चीज़। ओके, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर है। आई थिंक ये ट्रांसफॉर्म पर रहेगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा वो इफेक्ट, आप इजीली यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। बहुत कम इफेक्ट्स यहाँ पर है अभी, तो इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, तब भी मैं बता देता हूँ इफेक्ट का नेम क्या है। इफेक्ट का नेम आपको मिलेगा हाफ टोन पॉप। तो हाफ टोन पॉप को आपको डाउनलोड करना है। देन आपको इसका जो टाइमलाइन है आप देख सकते हैं, इसका ड्यूरेशन को आपको ब्लैक कलर जितना दूर है उतना ही दूर रखना है और यहाँ पर आपको उसके बाद इस तरह इसे फुल करना है। आप देख सकते हैं इस तरह फुल करने के बाद आपको उस पर फिर से टैप करना है, सेटिंग का ऑप्शन पर जाना है, इसे पूरा कम कर देना है, सब चीज़ आपको इसका कम कर देना है। एंगल, ब्राइटनेस, हाँ ब्राइटनेस भी कम कर दें, एंगल भी कम कर दें, इस तरह सब जीरो कर दें सब। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक कार्टून टाइप का इफेक्ट, देन ऑटोमेटिक आपका फोटो इस तरह बन जाएगा। अब यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं आपका वीडियो जो है वो बन के तैयार हो चुका है। अब मैं आपको थोड़ा से प्ले करके दिखा देता हूँ।